नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप। हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ, मैं अनोखी हूँ। चौड़े कंधे, ऊंचा सर, ताव में मूछें, पर जब कोई हमसे पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो, तो बस हंस के टाल देते हैं। अरे हम मर्द हैं, ऐसे सवालों को मजाक में उछाल देते, पर दर्द तो हमें भी होता है। दुखी हो तो मर्द भी रोता है। हाँ, हमारे लिए कहना जरा मुश्किल होता है। बचपन में सीखा है ना, मैन अप, मर्द बन, लड़का होके रोता है। दुख दर्द बांटने का हमारे पास वक्त नहीं, और जो ऐसा कर ले वो लौंडा सख्त नहीं। तो बस मान लिया, अब कुछ नहीं बोलेंगे। परेशानी हुई, दर्द हुआ तो सह लेंगे, पर बचपन में चोट लगने पर तो रोए थे हम भी। अपना फेवरेट खिलौना टूटने पर माँ के आंचल में सोए थे हम। तो आज क्यों आंसू छुपा लिए, कहां सारे जज्बात दबा लिए? ये माचो और स्टट के टाइटल लेके कब तक इतराएंगे? अपने को भी दुख होता है, किसी ना किसी को तो बताएंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, ये किसी को जेंडर देख के नहीं होता। दुनिया में कोई बेवजह नहीं रोता। अब अगर आंसू आए तो बहा देंगे, अब अगर दर्द हुआ तो कह देंगे। चौड़े कंधे, ऊंचा सर, ताव में मूछे, अब जब कोई हमसे पूछे कैसे हो, ठीक हो, उदास लगते हो, तो मुस्कुरा के, यू वोंट जस्ट शट अप, फॉर वंस लेट्स डिसाइड टू नॉट मैटर।